दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौड़ और आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स को नए मिलने वाले तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। तेजस मार्क 1 ए एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें एक्सिस्टिंग तेजस मार्क 1 वेरियंट से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगी। इसमें तेजस मार्क 1 वेरियंट के मुकाबले में 43 इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी। इसमें एक नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड AS रडार लगाया जाएगा, एक नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाया जाएगा जो कि फाइनल ऑपरेशन स्टैंडर्ड वाले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में नहीं थे। इस एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स 83 फाइटर जेट का ऑर्डर देने वाली है, जिसके लिए HAL के साथ 38,000 करोड़ की डील फाइनलाइज की गई है। ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितना केपेबल होगा और इसमें लगाए जाने वाले नए सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। इस एयरक्राफ्ट में एक AES रडार लगाया जाएगा। AES रडार पहले से मौजूद मैनुअली स्टीयर्ड रडार से ज़्यादा एडवांस रडार है। पहले से मौजूद मैनुअली स्टीयर्ड रडार एक ऐसे काम करते थे कि इनके एंटीना को मैनुअली मूव करना पड़ता था ताकि रडार बीम स्काई को एनिमी टारगेट्स के लिए स्कैन कर सके, लेकिन AES रडार में ये बीम इलेक्ट्रॉनिकली मूव करती है। यही कारण है कि ये रडार बहुत ज़्यादा टारगेट्स को एक ही टाइम पर स्कैन कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा टारगेट्स को तब भी स्कैन कर सकता है जब टारगेट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड हो। ये एयर में, सी में और ग्राउंड पर टारगेट्स को स्कैन कर सकता है। ये अपनी बीम को रैपिडली स्विच कर सकता है। ये रडार अपनी बीम को बहुत ज़्यादा तेजी से स्विच कर सकता है। ये मल्टीपल टारगेट्स के बीच बहुत जल्दी स्विच कर सकता है। यही कारण है कि ये मल्टीटास्किंग AES रडार एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा टारगेट्स को स्कैन कर सकता है और उनके अगेंस्ट मिसाइल्स को गाइड भी कर सकता है। ये एक ही टाइम पर 64 टारगेट्स को स्कैन कर सकता है। ये दुश्मन की कम्युनिकेशंस को भी जैम कर सकता है और उनके रडार को भी जैम कर सकता है। मॉडर्न डे एरियल कॉम्बैट में AES रडार एक गेम चेंजर इक्विपमेंट साबित होगा। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में एल्टा द्वारा बनाया गया ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार लगाया जाएगा, जिसे हमारे देश के जैगुआर डेरिन 3 फाइटर जेट में भी लगाया गया था। एल्टा का ये रडार मल्टीपल टारगेट्स को हर तरह की वेदर कंडीशन में स्कैन कर सकता है। ये रडार बहुत तरह के टारगेट्स को स्कैन कर सकता है, जिसमें हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट, होवरिंग हेलीकॉप्टर्स, लो अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट और UAVs भी शामिल हैं। तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के रडार के लिए एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें एल्टा कंपनी ने और फ्रांस की थेल्स कंपनी ने अपने रडार्स कंपटीशन में भेजे थे। फ्रांस ने अपना RBE-2 रडार भेजा था। इस टेंडर कंपटीशन में एल्टा का रडार जीत गया था, जिसके बाद अब एल्टा के ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार को तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट में लगाया जा रहा है। इस रडार की रेंज के बारे में कोई ऑफिशियल डाटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बारे में ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि ये 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक स्कैन कर पाएगा। ये 250 किलोमीटर तक 1 मीटर स्क्वायर RCS वाले टारगेट को स्कैन कर पाएगा। इसके साथ ही हमारे देश का स्वदेशी उत्तम AES रडार भी तैयार है, इसकी भी टेस्टिंग चल रही है। चाइनीज वायरस के आ जाने के कारण इसकी टेस्टिंग अभी रुक गई है, इसलिए इसकी सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जब तक तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट की प्रोडक्शन शुरू होगी तब तक इसकी सर्टिफिकेशन पूरी हो चुकी होगी। और ऐसी खबरें आ रही थी कि तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के पहले बैच में एल्टा का रडार लगाया जाएगा और बाकी जो एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे उसमें उत्तम AES रडार लगाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाया गया है। तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट में एल्टा द्वारा बनाया गया ELL-8333 वाइड बैंड सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड्स लगाए गए हैं, जो कि किसी फाइटर जेट की किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसकी सर्वाइवेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। ये एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए जो पॉड सेलेक्ट किए गए हैं वो छोटे हैं और लाइट वेट हैं और लो ड्रैग वाले हैं। ये दिखने में एक एयर टू एयर मिसाइल जैसे ही हैं और ये किसी भी एयरक्राफ्ट के आउटर विंग स्टेशंस के ऊपर लगाए जाते हैं। ये तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के ऊपर लगाए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि DRDO ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट डेवलप किया है, जिसके तेजस PV-1 एयरक्राफ्ट के ऊपर डेवलपमेंटल ट्राइज किए जा रहे हैं। और ऐसी खबरें आई थी कि इसकी डेवलपमेंट भी पूरी होने जा रही है, और इसके बाद कुछ ऐसे सवाल उठे थे कि इसे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एक इंटेग्रल कॉम्पैक्ट सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, जिसे कि एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम के अंदर लगाना होता है, और इसे एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, मिसाइल वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम, टोड RF डिकॉय और मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेट करना होता है ताकि ये अच्छी तरह काम कर सके।
लेकिन क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम में स्पेस कम है तो इस एयरक्राफ्ट में ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जा सका। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को चुना गया जो कि एल्टा ने बनाया था। एल्टा द्वारा बनाया गया यह सिस्टम एक लाइट वेट सिस्टम है। इसका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम है। ये इंडियन एयर फोर्स के स्कोई 30 MKI फ्लीट के ऊपर भी काम करता है। इस सिस्टम को इंडियन एयर फोर्स बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए इंडियन एयर फोर्स की ये पहली चॉइस थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में कौन सी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। अस्त्रा एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। यह हमारे देश द्वारा डेवलप की गई पहली एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग को फीचर करती है। ये मिसाइल इतनी केपेबल है कि यह 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर भी टारगेट को एंगेज कर सकती है और लॉन्ग रेंज के ऊपर 110 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर भी एंगेज कर सकती है। अस्त्रा मिसाइल को इंडियन एयर फोर्स के स्कोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसके साथ ही इसे डिसॉल्ट मिराज, HL तेजस और मिकोयन 29 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसकी प्रोडक्शन 2017 में शुरू कर दी गई थी। इस मिसाइल को तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के साथ भी फिट किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट डर्बी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को कैरी करेगा। डर्बी मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट भी किया गया है। यह डर्बी मिसाइल एक इजरायली मिसाइल है जो कि एक इनोवेटिव एक्टिव रडार एयर टू एयर मिसाइल है जो कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को आउटस्टैंडिंग और इफेक्टिव परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। इस मिसाइल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट राफेल द्वारा बनाया गया एक RF सीकर लगा है जो कि सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। डर्बी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर दिया गया है और इसके साथ ही इसमें एक डाटा लिंक कैपेबिलिटी भी लगाई गई है। इसके साथ ही DRDO एक नई क्लोज कॉम्बैट मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसे फ्यूचर में तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। DRDO मेनली इस मिसाइल को अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप कर रहा है जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्ट। लेकिन जब ये मिसाइल डेवलप हो जाएगी तो ये इंडियन एयर फोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट में भी लगाई जा सकेगी और ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट कर दी जाएगी। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट विम्पल R-73 मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएगा। विम्पल R-73 मिसाइल एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है जो कि एक सेंसिटिव क्रायोजेनिक कूल्ड सीकर का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को एक हेलमेट माउंटेड साइट के साथ टारगेट किया जा सकता है। इस मिसाइल की मिनिमम एंगेजमेंट रेंज 300 मीटर तक बताई जाती है और इसकी मैक्सिमम एरोडायनेमिक रेंज 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके साथ ही एक और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जाएगी, वो है ASRAM मिसाइल। ये एक एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है। इसे MBDA ने बनाया है। इस मिसाइल ने पहले से इस्तेमाल की जा रही AIM-9 साइडविंडर मिसाइल को रिप्लेस किया है। इस मिसाइल को ऐसे बनाया गया है कि ये पहले से मौजूद किसी भी इंफ्रारेड मिसाइल को आउटरेंज और आउटरन कर सके। ये मिसाइल मैक 3 की रफ्तार से ज़्यादा तेज उड़ती है। इसकी रेंज को 50 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इंडियन एयर फोर्स ने इस मिसाइल को अपने सभी एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एक ज़्यादा वर्सटाइल, हाईली प्रिसाइज, लीथल, फ्लेक्सिबल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी टारगेट लाइटर मिसाइल सिस्टम है जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक हल्का वेरिएंट है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इसकी स्पीड 3 मैक तक होगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन पहले से मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल से 50% हल्की होगी और उससे 3 मीटर छोटी होगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा जिसकी मदद से इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से लोकेट और एंगेज नहीं कर पाएगा। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट के साथ शोकेस किया गया था। यह मिसाइल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट की जाएगी। इसके साथ ही इस तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इसकी मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयर फोर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मेंटेनेबिलिटी पैकेज भी मांगा है। इसके साथ इंडियन एयर फोर्स ने पैनल इंटरचेंजेबिलिटी की कैपेबिलिटी भी मांगी है जिसकी मदद से इंडियन एयर फोर्स तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मोल्डेड पैनल्स को आसानी से इंटरचेंज कर पाएगी। इंडियन एयर फोर्स चाहती है कि इसके एयर फ्रेम के पैनल्स को बहुत आसानी से रिप्लेस किया जा सके जिसमें ज़्यादा वक्त ना लगे और इसके साथ ही इन्हें इंडियन एयर फोर्स को बहुत जल्दी सप्लाई किया जा सके और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की बेहतर मेंटेनेंस के लिए और बेहतर एक्सेस के लिए इसकी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट को रीपोजिशन किया जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगाई जाएगी। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट्स के हेलमेट में ऐसी डिस्प्लेस लगी होंगी जिसकी मदद से इसको उड़ाने वाले पायलट्स किसी टारगेट को देखकर ही उसके अगेंस्ट अपने वेपन्स को एम कर पाएंगे। इस एयरक्राफ्ट में डैश 4 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा।
ये एल्बिट सिस्टम्स द्वारा बनाया गया एक डिस्प्ले एंड साइट हेलमेट सिस्टम है। डैश सिस्टम पायलट की लाइन ऑफ साइट जो कि एक क्राफ्ट के साथ रिलेटिव होगी उसे मेजर करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एक क्राफ्ट के दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करता है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि जिसकी मदद से पायलट एक टारगेट को देखकर ही अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की मदद से उस टारगेट को लॉक कर सकता है और उसके अगेंस्ट अपने वेपन्स को फायर कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।